जय भीम नमो बुधाय। साथियों आप सबके साथ में एक सूचना साझा करना चाहती हूँ। जैसा कि मैं कंडीशन में नहीं थी वीडियो बनाने की, आप देख रहे होंगे कल हमारे घर में आग लग गई और काफ़ी नुकसान हुआ है क्योंकि एसी ब्लास्ट हो गया था, हम घर पे नहीं थे। वो तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे पड़ोसियों का कि उन्होंने इस घटना को संज्ञान में लेते हुए बहुत जल्दी में मतलब आग बुझाने का काम किया। लेकिन फिर भी आप देख पा रहे हो जो घर की व्यवस्था है काफ़ी अस्त व्यस्त हो गई है और एसी ब्लास्ट हुआ है, काफ़ी नुकसान हो गया है। घर में कई चीज़ें थी, बहुत ज़रूरी थी, डॉक्यूमेंट्स थे, वो सारे जल गए, फाइलें जल गई हैं और बेड भी जल गया है और शीशे वीशे जो भी थे विंडो के वो सारे चटक गए हैं आग से। लेकिन साथियों मैं इस उद्देश्य से नहीं आई हूँ। एक्चुअली क्या है, दो दिन पहले जो NB न्यूज 24x7 का जो पेज था चैनल का, वो किसी ने हैक कर लिया है। अब ये पता नहीं कि किस मंशा से उस व्यक्ति ने हैक किया है, लेकिन पिछले दो दिन से लगातार मेरे पास में बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही है। मैंने उसके रिगार्डिंग फेसबुक पे एक रील्स भी डाली है दो बना के और एक छोटी सी वीडियो भी बनाई थी और मैंने उसी दिन एक स्टेटस भी डाल दिया था कि मेरा पेज जो हैक हो गया है। और अभी साथियों दो दिन से जो प्रोसीजर उस फेसबुक पर चल रहा है, पेज पर एनबी न्यूज के पे, लोग अश्लील फोटो अश्लील वीडियो उस पर वायरल कर रहे हैं। अब ये पता नहीं कि कौन व्यक्ति है और मैं तो उसको खैर देख भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे भी वहां से ब्लॉक कर दिया गया है। मैं किसी भी तरह की जो भी गतिविधि उस पेज पे हो रही है वो नहीं देख पा रही हूँ। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगी आप एक एक पोस्ट कम से कम अपनी फेसबुक के माध्यम से डाल दें क्योंकि ये पेज हैक कर लिया है। और मैंने साइबर क्राइम में भी कंप्लेंट किया, साइबर क्राइम वालों ने आश्वासन दिया है कि यथासंभव जो भी होगा हम आपका पेज लौटाने में आपकी सहायता करेंगे। लेकिन साथियों जब तक जो भी गतिविधि वहां पर चल रही है, मैं आपसे आग्रह करूंगी इन गतिविधियों को अवॉइड करें और क्योंकि समाज हित में ये गतिविधियां नहीं है। कहीं ना कहीं ये लोग चाहते हैं, जो सत्ताधारी लोग हैं, कि इस समाज को इस तरह की चीजों में उलझा कर और हमें बदनाम करके, क्योंकि पूरा का पूरा उसमें मेरी फोटो लगी हुई है, मेरी आईडी लगी हुई है, सारी चीजें मतलब मेरे ही उससे चल रही हैं अभी, लेकिन उसको मैं हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। उसको मैं किसी भी तरह से मतलब मेरा कोई कंट्रोल नहीं है उस पेज पे, मेरे को पूरी तरह से वहां से ब्लॉक कर दिया गया। मुझे तो यहाँ तक कि साथियों वो पेज भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जब तक मेरा पेज नहीं लौटता है आप उसको इग्नोर करें और सही सलामत जैसे ही मेरे पास में आता है तो हम उसके साथ में जुड़ेंगे और जो भी कंटेंट उस पर परोसा जा रहा है तो उससे थोड़ा बचने का प्रयास करें क्योंकि इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं हमारे समाज को एक भ्रांति की तरफ लेकर जाती है। और साथ ही मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी इस वीडियो को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों को पता चले, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि बहुत सारे चैनलों के साथ में ऐसा हो रहा है, बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं। तो इन चीजों से बचने के लिए साथियों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों में जो भ्रांति फैल रही है, बहुत बड़े स्तर पर भ्रांति फैल रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। कल कम से कम 400-500 फोन मेरे पास आए हैं, वकील साहब के पास आए हैं कि नीलम जी आप किस तरह की पोस्टर डाल रहे हो। तो वो पोस्टर मैं साथियों बता दूं, मेरी तरफ से किसी तरह से कोई पोस्ट नहीं डाल रही, मेरा कोई कंट्रोल नहीं है उस पेज पर। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और जो एक नकारात्मक चीजें फैल रही है उनको रोकने का प्रयास करेंगे। जय भीम नमो बुधाय।